समय मिलेंगे उन समय बातों को रखा जाएगा। हम समझते हैं इन्हीं कम शब्दों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी बहुत जल्द राज्य में भी हम लोगों का चुनाव का घंटी बजने वाला है और इस घंटी को बजाने का जो पावर है, चुनाव कब होगा नहीं होगा वो हमारे विरोधियों के हाथ में, वो जो घंटी है चुनाव का बजाने का वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज का चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग के जिसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, आप लगता है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट लोग बैठ गया, वही लोग घंटी बजाता है कब चुनाव होगा कब नहीं होगा। और अभी 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे, झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। आज इस कोरोना महामारी में हमारा 3-3 मंत्री निगल गया, आपकी जान बचाने के लिए हमारे 3-3 मंत्री मारे गए और उसके एक मंत्री की बेवा महिला बेबी देवी जी आज हमारे मंच में खड़ी है, जो आपकी सेवा करते करते अपनी जान